वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की कचौरी। बारिश हो रही थी तो सोचा क्यों ना दाल की कचौरी बनाई जाए। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी लगती है। चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ये मैंने दाल उबाल ली है, इसमें मैंने 6-7 साबुत मिर्च डाल दी है और एक बड़ी इलायची डाल दी है और बस आधा चम्मच ज़ीरा और नमक डालकर एक चम्मच इसे उबाल लिया है। और देखिए बिल्कुल सूखी हमें उबालनी है, गीली नहीं होनी चाहिए दाल, वरना हमारी कचौरी अच्छी बनकर रेडी नहीं होंगी। देखिए ये ठंडी हो चुकी है, तो इस तरीके से हो चुकी है ये। चलिए अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से पीस ली है मिक्सी में और बिल्कुल बारीक इसकी बारीक कर लिया है दाल को। और देखिए कितनी अच्छी खिली खिली हो रही है। हमें पानी बिल्कुल हिसाब से रखना है ताकि हमारी दाल बिल्कुल गीली ना हो और ड्राई रहे। चलिए अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। और बस थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा ये, तो इसे साइड में कर देंगे। ये रेडी हो चुका है। चलिए अब हम आटा गूंथ लेते हैं। ये मैंने 300 ग्राम आटा ले लिया है, नॉर्मल गेहूं का आटा। और इसके अंदर एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे और आधा चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे कलौंजी। कलौंजी से अच्छा फ्लेवर आता है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है, तो आप भी इसे ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे नॉर्मल आटा गूंथ कर रेडी कर लेना है। ये रेडी हो चुका है। अब 5 से 10 मिनट इस आटे को रख देंगे, उसके बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटे पे लगा देंगे। और अब हम इसकी छोटी छोटी से पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। आपको जिस साइज़ में चाहिए उस साइज़ के पेड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये मैंने देखी इस साइज़ के बनाकर रेडी कर दी हैं। अब इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा इसे हाथ की मदद से ही बड़ा कर लेंगे और इसके अंदर दाल की स्टफिंग भर देंगे। आप इसे सूखे आटे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर तेल में बहुत ज़्यादा गिरेगा आटा और अच्छा नहीं लगेगा पूरियों के ऊपर, तो इसलिए आप भी ऑयल लगाकर ही पूरियां बनाइएगा। देखिए इस तरीके से हम स्टफिंग भर देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। इस तरीके से ये बनाकर मैंने सारी रेडी कर ली हैं। और अब हम लेंगे एक पॉलिथीन, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और पेड़े पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसे पिन्नी के अंदर डालकर इसे हल्के हल्के हाथों से हम दबा देंगे और ये बिल्कुल अच्छे से गोलाकार की बनकर रेडी हो जाएगी। हाथ से हम ऐसे नहीं कर पाएंगे और हाथ से सही नहीं बनेगी। और बेलन से भी अगर हम बेलेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट है आटा, तो सही नहीं बेलेगी। इस तरीके से बहुत आसानी से आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से रेडी हो रही हैं बनकर। चलिए इसी तरीके से हम सारी बनाकर रेडी कर लेंगे। और ये मैंने तेल भी अच्छे से गर्म कर रखा है, मीडियम फ्लेम पर रख रखा है मैंने ऑयल। और अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम पूरियां और ये ज़रा सी गर्म होते ही एकदम से काफ़ी फूल जाएंगी और फूली फूली कचौरियाँ बनकर हमारी रेडी होंगी। देखिए अच्छे से कलर आ चुका है एक साइड में, तो अब हम इसके साइड को चेंज कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसे पका लेते हैं। जब ये अच्छे से पक जाएंगी कचौरियाँ तो इनको हम निकाल लेंगे। देखिए ये रेडी हो चुकी हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम और कचौरी बनाकर रेडी कर लेंगे और फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें पका लेंगे। देखिए सारी पूरियाँ अच्छे से फूल रही हैं, इसका मतलब कचौरी हमारी बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी हो जाती है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं चटनी के साथ। ये मैंने टमाटर की और हरी मिर्च की चटनी पीसी है। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।